शांत सहमी सी फुंटी आज कुछ भड़की हुई सी है और घर वालों के ऊपर चिल्ला रही है, जो कि वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती है। और घर वाले सब शॉक्ड है कि इसको क्या हो गया भाई। फुंटी का एकदम बदला हुआ रूप दिख रहा है, जो कि आप सबके लिए और हम सबके लिए बहुत नया, तो हम सब शॉक्ड हैं ये देख के कि फुंटी को हो क्या गया है। सोचा भी नहीं होगा ऐसा कि फुंटी ऐसा कर सकती है जी। तो वो सब घर वालों को परेशान कर रही है, अपने भाई साहब के ऊपर उसने पैर रख दिया है जोर से और चिल्ला रही है, ताई जी के ऊपर चिल्ला रही है, सलिया घुसेड़ने की बात कर रही है। तो पता नहीं किस बात का बदला लेना चाह रही है ये लड़की, ऐसा क्या हो गया उसके साथ पता चलेगा आपको बहुत जल्द। पहले तो वो चिल्ला रही होती है सबके ऊपर और गुड्डू के आते ही सती सावित्री बन जाती है और फिर से प्यार से बात करने लग जाती है। तो सब पीछे शॉक्ड रह जाते हैं कि अभी तो चिल्ला रही थी, अभी फिर शांत हो गई, ऐसा कैसे कर रही है। तब सोनू जी जी बोलती है और हम अपनी जगह में उचक जाते हैं फुंटी का ये रूप देख के कि इसको क्या हो गया, अभी ये कुछ और थी भाई, गुड्डू के आने में कुछ और हो गई और बाद में फिर चेंज हो गई।